यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर झरोखा बना हुआ है। ये दोनों पिलर अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही पत्थर से जुड़ा हुआ है, ये पूरा एक ही पार्ट है। हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं झुंझुनू के अंदर स्थित खेतरी महल, जो कि स्थापत्य कला का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस खेतरी महल से जुड़ी तमाम तरीके की जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, तो मेरे साथ आप बने रहिए। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। यह है दोस्तों खेतरी महल का साइड का व्यू, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। मेहराब श्रृंखला रूपी और बहुत ही बारीकी से इसको डिजाइन किया गया है। इस महल की खास विशेषता ये है कि इसमें आपको खिड़कियाँ और दरवाजे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। बैक साइड से देखने पर खेतरी महल का और भी शानदार व्यू नज़र आता है। ये देखिए पीछे का दृश्य है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बारीकी से इसको बनाया गया है। और ये देखिए सामने का सीन, बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से आपको दिखाई देगा। बिल्कुल सामने हम खड़े हैं खेतरी महल के, पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, नक्काशीदार जालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे पिलर्स दो बिल्कुल समानांतर श्रेणी में दिखेंगे और बहुत सारे झरोके हैं। आर्किटेक्चर का शानदार नज़ारा पेश किया गया है इस महल के अंदर। महल के अंदर का पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे, अंदर क्या क्या सीन है। ये बाहर का दृश्य देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत। झुंझुनू शहर के बीचों बीच ये खेतरी महल स्थित है। चलिए अब आपको इसके अंदर लिए चलते हैं। अंदर का दृश्य, जो नीचे का पार्ट है वो काफ़ी फीका पड़ गया है, कलर है कालापन आ गया है, लेकिन इसका अतीत का इतिहास बहुत कुछ कहना चाहता है। ये देखिए सामने का दृश्य, ये अंदर का भाग है और बहुत सारे झरोके और छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। और आगे की ओर बढ़ने के लिए रैंप नुमा रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते से हम अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर का भाग आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये महल का मुख्य चौक है और यहाँ चारों तरफ आपको खंभे खंभे दिखाई देंगे। देखिए इस तरफ झरोखे बने हुए हैं, ऊपर से खंडर हो चुका है अधिकांश हिस्सा इसका, कुछ अंश दिखाई दे रहे हैं, इधर भी देखकर झरोखे हैं और चारों तरफ आपको खंभे खंभे दिखाई देंगे। और अंदर जाने ऊपर जाने के रास्ते बहुत सारे हैं इसमें। ये पिलर्स देखिए आप, इस प्रकार के पिलर्स हैं, समांतर श्रेणी में लगाए गए हैं पत्थरनुमा। ये दोनों पिलर अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही पत्थर से जुड़ा हुआ है, ये पूरा एक ही पार्ट है। इसी तरह के पिलर इसमें लगे हुए हैं। खेतरी महल अंदर से बहुत भूल भुलैया सा नज़र आएगा। जिस दरवाजे से आप प्रवेश करेंगे उस दरवाजे से आप वापस नहीं आएंगे, किसी और दरवाजे से वापस आपको निकलना होगा। काफ़ी भूल भुलैया है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप किस दरवाजे से प्रवेश किया था और आप कहां से निकल गए। इस तरीके का बहुत ही शानदार ये नमूना। और सामने देखिए दीवारें आपको कम दिखाई देंगी और जो स्तंभ हैं वो आपको अधिक दिखाई देंगे। इस महल का निर्माण झुंझुनू के तत्कालीन शासक श्री भोपाल सिंह जी शेखावत ने इस महल का निर्माण करवाया था। 1770 ईस्वी के अंदर उन्होंने ये महल बनाया था। चलिए अब आपको ले चलते हैं ऊपर वाली मंजिल की ओर।
दोस्तों खेतड़ी महल है वो काफ़ी भूल भुलैया है। इसमें दो तीन चक्कर मारने के बाद हमको ये रास्ता मिला है रैंप नुमा, और इस रास्ते से हम ऊपर चलते हैं। काफ़ी भूल भुलैया सा इसको बना रखा है। दोस्तों हम ऊपरी मंजिल पे आ गए हैं और यहाँ पर भी उसी तरीके के वही पिलर्स हैं, मेहराब हैं समांतर क्रम में, और ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल था ये। हवा इसमें निर्बाध रूप से हवा बहती रहती है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। और गर्मी में इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि उस समय बिजली वगैरह नहीं होती थी तो इसमें गर्मी नहीं लगती। ख़ास बात यह है कि इस महल को जब जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने इस महल को देखा था तो इसी महल से प्रेरणा लेकर उन्होंने जयपुर के अंदर हवा महल बनाया था। वो खेतड़ी महल को देखकर ही उन्होंने बनाया था। और ये देखिए सेकंड फ्लोर से आप दृश्य देख रहे हैं, बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ से नज़र आएगा। हालांकि सेम डिज़ाइन सेकंड फ्लोर पर भी नज़र आएगा आपको, वही पिलर्स नज़र आएंगे। तो ये जो रैंप नुमा रास्ता है ये नीचे धरातल से लेकर ऊपरी छत तक जुड़ा हुआ है। सीधा घुड़सवार है वो घोड़े सहित महल में ऊपर छत तक जा सकता था। इस तरीके का इसमें रैंप है जो कि अपने आप में अनोखा है। ये देखिए सीधा लंबा रैंप है, इसी रैंप से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए पूरा रैंप से जुड़ा हुआ है जो कि अपने आप में अनोखा है। और ये सबसे ऊपरी मंजिल आगे है इस महल की। बात करें झुंझुनू के इतिहास की तो यहाँ काफ़ी समय तक नवाबों का शासन रहा, और उसके बाद यहाँ पे शार्दुल सिंह जी शेखावत उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। और बताते हैं कि शार्दुल सिंह जी शेखावत हैं, उनके तीन रानियाँ थी। एक पत्नी का नाम था श्री कंवर, दूसरी पत्नी थी सहज कंवर, और जो उनकी तीसरी रानी थी उनका नाम था बखत कंवर मेड़तानी। और तीसरी जो रानी थी बखत कंवर, उनका पुत्र का नाम था किशन सिंह जी। और किशन सिंह जी के जो बेटे थे भोपाल सिंह जी, उन्होंने इस खेतड़ी महल का निर्माण 1770 ईस्वी के अंदर करवाया, जो कि झुंझुनू के अंदर वास्तुकला आर्किटेक्चर का एक बहुत ही शानदार नमूना है। ये यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर झरोखा बना हुआ है और नक्काशीदार जालियाँ हैं इसके अंदर, और यहाँ पर विशेष प्रकार की डिज़ाइन जो कि अब आंशिक रूप से टूट चुकी है, खंडर हो चुकी है, सार संभाल है इसकी वो बिल्कुल नहीं होती। और इस साइड में देखिए आप ऊपरी हिस्सा वो काफ़ी खंडर हो चुका है, और इस साइड में सफ़ेद कलर कर दिया है। ऊपरी जो सीढ़ियाँ हैं इनके अंदर है वो खुदाई की गई है, और खुदाई में आपको यहाँ पे दिखाएंगे नज़दीक से। देखिए यहाँ मटके नुमा आकृति आपको दिखाई देगी। क्या हुआ? इन मटके नुमा आकृतियों में ऐसा लगता है कि जैसे खजाने की खोजने की कोशिश की गई है, क्योंकि पुराने टाइम में लोग होते थे वो इसी तरह मटकों में अपना धन दबाते थे। तो ये सीढ़ियों को देखो यहाँ पे खोदने की कोशिश की है। ये सीढ़ी देखो इसको भी कुरचने की, लेकिन ये अंदर से ठोस है, इसके अंदर कोई मटका नहीं है। दोस्तों ये ऊपरी पॉइंट है और इससे पूरा झुंझुनू शहर है वो चारों तरफ दिखाई देगा आपको। ये देखिए पूरा झुंझुनू शहर आपको नज़र आएगा, उधर वो पहाड़ी नज़र आएगी, और इधर वो सामने आप देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर बादलगढ़ किला बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। और इधर देखिए आप एक और पहाड़ी है और उसके ऊपर मनसा माता का मंदिर है वो स्पष्ट नज़र आ रहा है। मनसा माता का
मंदिर का जो वीडियो है वो हम बना चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो इस चैनल पे जाके देखिए आप, और आई बटन में आपको मिल जाएगा। पूरा झुंझुनू शहर का बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से देखा जा सकता है, इस खेतरी महल के ऊपर से। इधर देखिए पूरा झुंझुनू शहर। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जो प्राचीन धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। घंटी के निशान को दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।